नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट रिलेटेड बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। आपको बताते चले कि फिर से हिमाचल प्रदेश में जो है वो वन रक्षक की भर्ती जो है प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके तहत 100 पदों को भरने के लिए ये भर्ती प्रक्रिया इस बार शुरू होगी और कुल मिलाकर जो है 166 पद भरे जाएंगे, जिसमें अन्य पद जो है JOA के भी रहने वाले 45 पद, इसके अलावा 21 पद जो है वो अन्य कैटेगरी के रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर 166 पद इसमें रहने वाले हैं और ये सबसे बड़ी बात है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इसमें होने वाली है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और अभी जो है ये प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो भी इसमें क्लियरेंस रहती है, जैसे फाइनेंस क्लियरेंस रहती है, वित्त विभाग से मंजूरी मिलती है, उसके बाद जो है वो सभी तरह की जितनी भी प्रक्रिया हैं उससे गुजरने के बाद जो है इसमें आपके पास एडवर्टाइजमेंट नोटिस आपको देखने को मिलने वाला है। परंतु कहीं ना कहीं ये एक उम्मीद है कि आपको जो है वो यहाँ पर भर्ती आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलने वाली है, तो आप अपनी तैयारी उस हिसाब से जो है यहाँ पर कर सकते हो। ये बड़ी अपडेट हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड रिलेटेड थी। उम्मीद करता हूँ ये अपडेट आपको अच्छी लगी होगी, तो अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो, ताकि उनको भी जो है इसके बारे में पता चल सके और वो अपनी प्रिपरेशन जो है वो पहले से ही शुरू कर सकें। तब तक मिलते हैं एक बार में। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।